हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिजाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको म्यानी वाली प्लाजो पैंट की कटिंग बताएंगे, जो पहनने में काफ़ी आरामदायक होती है। तो इसके लिए हमें चार नाप की ज़रूरत पड़ेगी, लंबाई, कमर, हिप और मोहरी। तो लंबाई हमारी है 37 इंची, कमर है 30 इंची, हिप है 36 इंची और मोहरी है 29 इंची। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है। इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। तो ये फोल्ड हम किस तरीके से करेंगे आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो दोस्तों हमारी मोहरी है 29 इंची, तो 29 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा हो रहा है 14.5 इंची। तो 14.5 इंची में 1 इंची हम प्लस करेंगे, यानी कि जो मोहरी की जो हमारी मार्जिन रहेगी उसके लिए हम 1 इंची यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 15.5 इंची। तो कपड़े को भी हम 15.5 इंची फोल्ड करेंगे। तो पहले हम 15.5 इंची कपड़े को फोल्ड करना है, इस तरीके से हम आपको बताते हैं। तो कपड़े को हमने 15.5 इंची फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले हम इलास्टिक का मार्क लगाएंगे। तो इलास्टिक के मार्क के लिए हम पहले एक सीधा मार्क लगाएंगे। तो एक सीधा मार्क हमने लगाया है। अब हम 2.5 इंची इलास्टिक के लिए मार्जिन देंगे, इसे भी सीधा करेंगे। तो 2.5 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क से नीचे हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों आसन का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो हिप हमारी है 36 इंची, तो 36 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा 9 इंची आ रहा है। तो इसमें हम 3 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12 इंची। तो 12 इंची में यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे। अब हम दोस्तों लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो लंबाई हमारी है 37 इंची, तो 37 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1.5 इंची हम मोहरी को फोल्ड होने के लिए मार्जिन देंगे यहाँ पर। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। अब हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो हमारी मोहरी है 29 इंची, तो 29 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 14.5 इंची आएगा। तो 14.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और 1 इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे दबने के लिए। तो ये हमारा मोहरी का मार्क लग गया है, इसे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। तो ऊपर में हमें जो हिप का जो घेरा देना है वो किस हिसाब से देना है दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो जितना हमने आसन गिराया है, तो ये आसन हमने गिराया है 12 इंची में, तो ये घेरा भी हम 12 इंची तक ही देंगे इसे। तो यहाँ पर हम 12 इंची में मार्क लगाएंगे। तो इसका भी हिसाब हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हिप का चौथाई लेना है और उसके बाद में इसे 3 इंची लूज देनी है, यह आपका परफेक्ट घेरा भी आ जाएगा। और इसी हिसाब से हमने आसन की भी कटिंग करनी है। तो 12 इंची हमने इधर दिया है और 12 इंची हमने आसन को भी दिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो इसे सीधा हमें किस तरीके से करना दोस्तों, तो ये जो हमारा सेप पट्टी वाला स्केल है, तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसे अंदर की तरफ लेंगे। तो ये हमारा अंदर में 1 इंची से 1.5 इंची तक अंदर रहेगा और उसके बाद में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे हिप के घेरे का मार्क हो गया और ये आसन का भी हमारा मार्क हो गया। अब हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो सेप पट्टी का हम सहारा लेंगे दोस्तों मिलाने के लिए।
तो इस तरीके से हमारी ये सेप आ गई है। थोड़ा सा इधर हमारी गुलाई और कर देते हैं हल्की सी, ताकि ये सेप हमारी अच्छी लगे देखने में भी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये सेप आ गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग को हल्का सा हाफ इंची मार्जिन देकर हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे और नीचे में लाकर इसे मार्क के पास में मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हम एक कट देंगे ताकि मोहरी सीने समय हमें पता रहे कि इतनी हमें फोल्ड करनी है। तो यहाँ पर हमारा एक कट हो गया और एक कट हम यहाँ पर देंगे जहाँ पर हमारी म्यानी लगेगी और एक कट हम यहाँ पर देंगे जहाँ पर हमारी इलास्टिक लगेगी। तो इस तरीके से आप भी कट दे दें ताकि सीने में आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब हम म्यानी काट कर आपको दिखाते हैं म्यानी को किस तरीके से काटना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा बच गया है जिसमें हम म्यानी निकालेंगे। तो पहले हम इसे एक लेयर हटा देते हैं यहाँ से और एक लेयर काफ़ी है हमारे म्यानी निकालने के लिए। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने 6.5 इंची चौड़ाई लेनी है म्यानी की और बीच में हम 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। और म्यानी की जो लंबाई देंगे वो देंगे 7 इंची। इस तरीके से हम इसमें मार्क को मिलाएंगे, क्रॉस मिलाना हमें। इसी तरीके से हम इधर भी मिलाएंगे। तो ये हमारी म्यानी की शेप आ गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब म्यानी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 1 इंची मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये म्यानी कट गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। तो पहले हम एक पल्ले को लेंगे। तो फिर से हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, प्लाजो हमारी ये हो गई। तो पहले हम एक पल्ले को इसमें से लेंगे और ये हमारा सीधा पल्ला है। तो पहले आप उल्टे सीधे का मार्क लगा दें म्यानी में भी। ये उल्टा हो गया, ये भी हमारा उल्टा हो गया और हमने सीधे पल्ले में म्यानी को किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर हमने कट दिया है और एक कट हमने यहाँ पर दिया है। तो हम आपको मार्क से बता देते हैं, एक कट हमारा यहाँ हो गया, एक कट हमारा यहाँ हो गया और ये हमारी म्यानी हो गई। तो म्यानी को आपको इस कट से 1/2 इंची नीचे की तरफ लगाना है। तो इस तरीके से हम इसे म्यानी को बैठाएँगे, इधर भी बैठाना है और फिर उसके बाद में हम इधर भी इसे बैठाएँगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी इस तरीके से 1/2 इंची मार्जिन लेकर होगी। इधर भी हम इसी तरीके से सिलाई देंगे। तो चलिए मशीन में चलते हैं और सिलाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कट है। तो कट के पास में म्यानी को इस तरीके से रखेंगे ताकि ये कट से हमारी 1/2 इंची नीचे रहे म्यानी। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हम 1/2 इंची की लगाएंगे।
इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। अब इसके ऊपर भी हम एक सिलाई दे देंगे ताकि ये मियानी हमारी मजबूत हो जाए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी मियानी को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों तरफ मियानी को लगा दिया है। अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पल्ला हो गया, इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे और ऊपर में भी हमें 1/2 इंच की सिलाई देनी है और यहाँ पर लाकर आपको मशीन को रोकना है और उसके बाद में इस पल्ले को इस तरीके से घसकाना है ताकि इसके बराबर में ये पल्ला आ जाए और यहाँ पर हम इसकी सीधी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग बैठाने में दिक्कत होती है बहुत से लोगों को, तो इसलिए हम फिर से आपको बताते हैं। ये पल्ला हमारा इस तरफ जा रहा है यानी, और इसे हम इस तरीके से घुमा देंगे, इसे हम इस तरीके से घुमा देंगे और ये सिलाई हम सीधी ले लेंगे 1/2 इंच की। तो इस तरीके से ये मियानी हमारी सही लग जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि 1/2 इंची हम ऊपर से सिलाई लेकर चलेंगे और यहाँ पर लाकर हम मशीन को रोकेंगे और उसके बाद में इस मियानी को हम इसके बराबर में घुमा देंगे और यहाँ पर हम सिलाई दे देंगे। कालीन आ रही, तो यहाँ पर लाकर हमने मशीन को रोक दिया है। अब हम इसे इस तरीके से घुमा देंगे। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई देंगे। हमें इसी तरीके से मियानी को इस तरीके से घुमा लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठ जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये सिलाई हुई है। अब हम इसे पलट कर एक सिलाई ऊपर में इसके किनारे में देंगे। तो ये सिलाई भी हमारे किनारे होगी। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये मियानी के ऊपर सिलाई हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मियानी में दोनों तरफ सिलाई दे दी है और ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो देखिए दोस्तों, अगर ज़्यादा कपड़ा आपका धागे निकलने वाला रहे तो आप इसमें इंटरलॉक मारना ना भूलें। अब हम इसमें इलास्टिक लगा कर आपको दिखाते हैं कि इलास्टिक हमें किस तरीके से लगानी है। तो देखिए दोस्तों, हमारी कमर है 30 इंची, तो इलास्टिक हमें 30 इंची में से माइनस हम 4 इंची करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26 इंची। तो इलास्टिक हमें 26 इंची लंबाई में लेनी है। तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, 26 इंची लंबाई में हमने इलास्टिक ली है। थोड़ी सी 1-2 पॉइंट बड़ी ही रखी है हमने इलास्टिक ताकि ये टाइट ज़्यादा ना रहे। तो अब इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इलास्टिक को लगाएंगे। पहले हम सिलाई दे देते हैं। तो ये सिलाई हमें एकदम मजबूत देनी है ताकि ये इलास्टिक हमारी खुल ना जाए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा इलास्टिक का मार्क था जो हमने 2.5 इंची चौड़ाई में लगाया था। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से रखेंगे और
नीचे वाला जो हमारे ये पल्ला है इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। इसे आप 1/2 इंच बड़ा ही रखें फोल्ड को और इसमें आप सिलाई दें। तो इसे आपको बराबर बराबर ही लेकर चलना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको इलास्टिक को लगाते जाना है। जितनी मार्जिन आप यहाँ पर दबाएंगे उतनी ही मार्जिन आपको दबाते जाना है। तो अगर आपको इस तरीके से लगाने में दिक्कत हो तो आप इससे पहले एक फोल्ड इस तरीके से कर पूरी गोलाई में आप मार कर सिलाई दे सकते हैं। इस तरीके से सिलाई देकर फिर उसके बाद में इस तरीके से इलास्टिक लगा सकते हैं। अगर आपका अगर हाथ बैठा हुआ है, अगर नहीं भी बैठा हुआ है तो भी फिर भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। थोड़ी सी आपको आहिस्ते आहिस्ते से लगाना पड़ेगा ताकि आपका हाथ अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो ऊपर वाले पल्ले को हमें खींचना नहीं है, एकदम आस्ते आस्ते रखना है, ज़्यादा कपड़े को ऊपर वाले हिस्से को खींचना नहीं है। तो दोस्तों, इलास्टिक को इस तरीके से आपको खींचते भी जाना है ताकि लगाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको इलास्टिक को भी खींचते जाना अंदर से। दोस्तों, अब ये जो हमारा कपड़ा है इसे हम अंदर की तरफ करेंगे ताकि इलास्टिक हमारी बाहर में फ्रेश तरीके से निकल सके और लगाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हमारा इस तरीके से निकल चुका है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इलास्टिक को खींचना है तो ये सुई को नीचे की तरफ रखकर ही खींचें ताकि इलास्टिक सही तरीके से खिंचा सके। तो इस तरीके से हमने नीचे में सुई रखकर ही इसे खींचा है। देखिए दोस्तों, ये इलास्टिक हमारी लग चुकी है। हम आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं, पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये दोनों जोड़ को हमें मिला कर देखना है कि ताकि हमारी इलास्टिक दोनों तरफ अच्छी तरीके से बराबर है कि नहीं। तो नहीं अगर आपको, तो इस तरीके से आप इसे खींच दें तो ये आपकी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, अगर कुछ छोटी बड़ी लगे तो आप हल्की सी इसे घसका सकते हैं और कहीं कहीं पर आपको इलास्टिक में टाके लगाने पड़ेंगे ताकि इलास्टिक इधर उधर घसके ना। तो इलास्टिक के ऊपर बहुत सारे इलास्टिक के ऊपर में सिलाई दे देते हैं जिससे इलास्टिक ख़राब हो जाती है। तो आप टाके लगाकर करें ताकि आपकी इलास्टिक हमेशा के लिए मजबूत रहे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने चारों तरफ टाके लगा दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसकी सिलाई करनी है साइड की। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी इलास्टिक इस तरीके से लग गई है। अब हमें क्या करना है कि मोहरी को अच्छी तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें इसे मोहरी को पकड़ना है और यहाँ की जो म्यानी है उसे भी हम मिलाएंगे और यहाँ पर हम 1/4 इंच की सिलाई देते हुए, ऊपर में 1/2 इंच की सिलाई देते हुए हम यहाँ तक लेकर आएंगे। फिर हम इसे दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से मिलाएंगे। हम दिखा देते हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी हम इसकी सिलाई देंगे। तो चलिए करते हैं सिलाई। अरे तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर 1/4 इंच की सिलाई लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/4 इंच की सिलाई लेनी है, ऊपर में लाकर हम 1/2 इंच से कर देंगे। Thank you.
करना था तो दुकान में। तो देखिए दोस्तों, हमारी गैदरी की सिलाई हो गई है, एक सिलाई हम इसमें और देंगे ताकि ये हमारी मजबूती रहे। तो यहाँ पर हम एक सिलाई देंगे इतनी दूर से। ये हमारे गैदरी की सिलाई हो गई है, अब हम मोहरी की सिलाई करेंगे। तो मोहरी के लिए हमने यहाँ पर कट दिया था, तो हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर हमने ये कट दिया था, इसी के कट के हिसाब से हम मोहरी को फोल्ड करेंगे। तो पहले हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे ताकि फोल्ड करने में हमें आसानी हो। फिर से आपको दिखा देते हैं, ये कट हमारा हो गया और इसी के हिसाब से हमें इसे फोल्ड करना है। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड करना है, 1 इंची का हमारा ये फोल्ड आएगा। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो एक चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखें कि ये कपड़ा आप खींचे नहीं, इसे आप हल्का हल्का इस तरीके से फोल्ड करके ही आप इसमें सिलाई दें। इस कपड़े को एक जरा भी आपको खींचना नहीं है, इस तरीके से आप उंगली करेंगे तो ये अपने आप फोल्ड हो जाएगा। सुई बहुत रहा होगी किया बात चेंज करो कपड़े उतर है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये मोहरी की सिलाई दे दी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी प्लाजो की सिलाई हो गई है। हम अच्छी तरीके से आपको अब दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी ये सिलाई हुई है, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे प्लाजो पैंट की सिलाई हो गई है और ये सिलाई काफ़ी अच्छी तरीके से हुई है, नहीं कहीं पर खींच रही है, ना कहीं पर फूल रही है, कहीं पर सब तरफ से इलास्टिक वगैरह सब सही बैठी हुई है, म्यानी वगैरह सब सही है। तो दोस्तों, ये प्लाजो पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी और साथ में स्टिचिंग कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।